टिकरी बॉर्डर पर 5 लेयर की सिक्योरिटी का अरेंजमेंट जो है वो किया गया है। दिल्ली में बॉर्डर को कटीले तारों से घेरा गया है। बॉर्डर पर सीमेंट बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। सर्विलांस के लिए जगह जगह पर कैमरे भी लगाए गए हैं। अनाउंसमेंट के लिए साउंड सिस्टम का इंतजाम भी किया गया है। सिंघू बॉर्डर पर भी कुछ इसी तरह का इंतजाम है। हमारी सहयोगी तेजस्वी जो मौजूद है वो दिखा रही थी कि किस तरीके से देखिए साउंड सिस्टम वहां पर लगाया गया है ताकि किसानों से या फिर आम पब्लिक से जब बातचीत करनी हो, कोई संदेश देना हो तो पुलिस दे सके। बॉर्डर से पहले भी कंटेनर और बैरिकेड जो है वो लगाए गए हैं। आज के क्या हालात होंगे, जैसे पिछली बार हो गए वैसे होने वाला है? ऐसे हमारे काम धंधे में आने जाने में दिक्कत होती है, तो यही होगा, थोड़ा काम पे भी असर पड़ेगा। और क्या होगा सर, इधर ये सब कारे बैरल लगे पड़े हुए हैं, अभी क्या बता सकते हैं इसके बारे में? लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है, किस तरीके से पिछली दफा हमने देखा था कि जो बॉर्डर इलाके के पास रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी परेशान हुए थे। स्कूली बच्चे परेशान हुए थे, ऑफिस जाने वाले लोग परेशान हुए थे और एक साल से ऊपर चला था वो आंदोलन। लेकिन आज जब दूसरे दौर की बातचीत होगी तो सरकार भी पूरी कोशिश करेगी कि किसानों को मना लिया जाए, आपसी सहमति बन जाए, ताकि जो 13 फरवरी का ऐलान है चलो दिल्ली, उसके लिए किसान जो है अपने अपने राज्यों से दिल्ली की ओर कूच ना करे।